आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं आपके साथ राजेंद्र देव और विजय तिलक का कारवां इस वक्त मौजूद है आजमगढ़ में। आजमगढ़ बहुत पुराना शहर उत्तर प्रदेश का, देश का। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, यहाँ की जनता किस प्रकार का विकास चाहती है और अलग अलग दलों के राजनेता जो यहाँ की जनता के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार का विकास सोच रहे हैं, क्या समस्याएं देख रहे हैं, जनता किसका विजय तिलक कर सकती है, इन्हीं संभावनाओं को टटोलने के लिए इस वक्त हम लोग विजय तिलक का कारवां लेकर पहुंचे हैं आजमगढ़। और सबसे पहले हमारे जो राजनीतिक मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं, उनसे आपका परिचय करा दूं। सभी महत्वपूर्ण दलों के राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सत्येंद्र राय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और हमारे साथ हैं आशुतोष द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ हैं श्री अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ हैं शैलेंद्र कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी से ही बात शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी से इसलिए बात शुरू कर रहा हूं मैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत प्राप्त की थी, हासिल की थी, और जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल है उसको यहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी। उसके बाद भी अगर आजमगढ़ में कहीं विकास में कुछ कमी है, कहीं कुछ समस्या है, तो फिर सवाल समाजवादी पार्टी से बनता है। इसीलिए अशोक यादव से बात की शुरुआत करेंगे। स्वागत है आपका अशोक जी। आपको लगता है कि आजमगढ़ में समस्या है या समस्या मुक्त प्रदेश है या समस्या मुक्त क्षेत्र है? देखिए, आजमगढ़ की जनता ने भरपूर प्यार और दुलार दिया समाजवादियों को, और चूंकि जनता का ये आशीर्वाद हम लोग उसको जो भी किए समाजवादी पार्टी ही आजमगढ़ के लिए। आप आए होंगे आजमगढ़ में, घूमे होंगे, जितने भी चौराहे आपको दिखेंगे, जितनी भी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखेंगी, यहाँ का कलेक्ट्रेट हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट कलेक्ट्रेट है। यहाँ की चीनी मिल हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे कलेक्टर, यहाँ पे कमिश्नरी बनवाया गया समाजवादियों ने। आजमगढ़ के लिए सब कुछ समाजवादियों ने ही किया है। जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उससे भी प्रश्न किया जाए, आपको लगता है सर यहाँ पे कुछ समस्या है या? वही सवाल मैंने उनसे पूछा। पूरी समस्या से शहर, तो जो निकाय का चुनाव हो रहा है, शहर पूरी तरह से समस्या से ग्रस्त है। चूंकि बराबर जो है समाजवादी पार्टी का जो है यहाँ पे चेयरमैन रहा है, समाजवादी पार्टी के लगातार जो है लगातार विधायक रहे हैं। शहर में आप आए होंगे, घूमे होंगे, कितना भी जगह आप देखेंगे, नालियों को देखेंगे, जल भराव की समस्या देखेंगे, जल निकासी की समस्या देखेंगे, रोडों की हालत देखेंंगे, अतिक्रमण देखेंगे। आशुतोष द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी को लास्ट टाइम कब मौका मिला था? मैं तो इतिहास देख रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको याद आ रहा है? 1989 में ये हमारी कांग्रेस ही थी जिसके 100 MLA ने समर्थन दे दिया था, तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। चलिए एक बात तो बता दी आपको बेटा। अब यहाँ के जो हालात हैं, तो हमारे दो फाजिल दोस्त जिन्होंने, जिनकी सरकार पीछे रही है और वर्तमान में भी चल रही है, तो सवाल इस बात का है कि MP MLA का जो फंड होता है वो खास तौर से आप जानते होंगे कि थोड़ा सा कभी गांव की सड़क और इस पर स्कूल पर ऐसे दिया जाता है। तो मैं इसके लिए बेसिकली MLAs को इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि आने वाला जो वक्त है उसमें जो निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से जो ट्रिपल इंजन की सरकार बना रही है, तो जो इनका तीसरा इंजन है वो लोकोमोटिव के यार्ड से आया है, यानी कि इनके पास प्रत्याशी नहीं था, वो बाहर से आया है। वो पहले सपा में था, वो निर्दल था, और उसको बुला के लाप। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर पक्ष रखने के लिए उपस्थित हैं। शैलेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव क्षेत्र रहा है, उसके बाद भी आजमगढ़ के बारे में धारणा ये है कि यहाँ पर जैसा विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं है? जी, जिम्मेदारी हमारी है, और हमारे बहुजन समाज की जो मुखिया है उन्होंने जब भी सत्ता में रहा, आपको मैं मीडिया के माध्यम बताना चाहता हूँ, इतना विकास उन्होंने किया, लोग पक्ष और सत्ता के लोग बता रहे हैं कि विकास हमने किया। डबल इंजन की सरकार जो विकास की वो भी आपको पता है, हमको कहना नहीं है। माननीय बहन जी ने जो विकास किया, अभी आप हमारे बड़े भाई कहे कि कलेक्टर हमने बनवाया। मैं गठबंधन का जब सरकार थी तब कमिश्नरी बहुजन के जमाने में हुई, और कलेक्टर मानिया बहन जी के कार्यकाल में कराया गया। हमारे साथ आजमगढ़ के कुछ लोग भी हैं, एक बार जरा इनसे भी समझेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं। आजमगढ़ में खासकर नगर पालिका परिषद के अधीन जो कार्य होने चाहिए थे वैसे कार्य हुए हैं या उसमें कमी है, और अगर कमी है तो किसकी वजह से? आप आजमगढ़ के ही नगर, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नाली से लेकर सीवर से लेकर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो रोड हैं उनकी समस्याएं हैं, कूड़ा डंपिंग की समस्याएं हैं, समय समय पे कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था, जैसा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो है अध्यक्ष महोदय रह चुके हैं जो है, तो कूड़े के लिए के सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। आजमगढ़ में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है,
डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहुत बड़ी समस्या है। नालियां बिल्कुल बदबदा रही हैं, कुछ भी काम नगर पालिका द्वारा पिछले कई सालों से हुआ ही नहीं। जी चलिए, कई सालों से कोई काम नहीं हुआ है, आप भी यहाँ के नागरिक हैं, क्या समस्या है? समस्या सर देखिए, एक तो सिविल लाइन की समस्या है, बहुत पुरानी, 72 से बन रहा है लेकिन कुछ कम्प्लीट नहीं। सन 72 से बन रहा है, अभी तक उसका जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आज तक कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आप क्या बात कर रहे हैं, 72 और 2023 सड़कों को खोद दिया गया, सड़कों की लाइन पाइप डाली गई लेकिन कम्प्लीट आज तक नहीं हुआ। 72 से अभी तक प्रोजेक्ट चल रहा है सीवर लाइन का। सीवर लाइन का जी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो जी अध्यक्ष रहा है वो जिम्मेदार है। यहाँ पे नाले की बहुत बड़ी समस्या है, बंदरों का बहुत ज्यादा यहाँ प्रकोप है, और जो नगर पालिका भैया सचिन ने बताया भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा, और इसके अलावा यहाँ पे ठेले खुमचा वाले की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटे व्यापारी एकदम बेकार हो चुके हैं, उनको कभी भी उठा के कहीं फेंक दिए उठा के फेंक दिए। निकाय चुनाव में जब आप वोट करने जाएंगे तो प्रदेश सरकार का चेहरा देखेंगे, केंद्र सरकार का चेहरा देखेंगे, या जो स्थानीय जो यहाँ पे स्थानीय व्यापारियों की बात करेगा उसको हम देखेंगे, क्योंकि यह स्थानीय चुनाव है, यहाँ स्थानीय मुद्दा है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बंदरों का है। आप कपड़ा फैलाए, जिसके पास तो व्यवस्था है उसने जाली लगवा लिया, लेकिन जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं वो क्या करेगा? आप जाली अभी आप कपड़ा फैला के गए और कपड़ा आपका गायब। फंड की समस्या रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ, जो वर्तमान सरकार है उसकी पहली बात तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए, अगर हम लोगों को कह रहे हैं, लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, तो वो फंड प्रोवाइड उनको करना चाहिए। और फंड की समस्या जाहिर सी बात है होती है, और लोग उसमें भ्रष्टाचार में भी उसके साथ लिप्त हो जाते हैं। हमारी सरकार ने यूनिवर्सिटी दिया, उसका नाम आजमगढ़ यूनिवर्सिटी था, सुहेल जी को सम्मान देने के लिए उन्होंने सुहेल दो लगाया, अब एक ही साथ सारे बदलाव करते ऐसा। इनका सवाल है कि यूनिवर्सिटी के आगे राजभर कब लगेगा, किसको नहीं पता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज से हैं? वीर बहादुर सिंह क्यों लगा, मैं पूछना चाहता हूँ, वीर बहादुर सिंह लग सकता है तो राजभर क्यों नहीं लग सकता? अभी देख रहा था मुख्यमंत्री जी को और तमाम जो हमारे भाजपा के उप मुख्यमंत्री गण हैं जो प्रचार कर रहे हैं, वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए ताकि बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र की हैं प्रदेश की हैं वो ठीक से लागू की जा सके। लेकिन साहब ये चुनाव तो लोकल हो रहा है, तो लोकल विषयों को क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा है? अभी एक बात भी आई नहीं, जैसा आप जानते हैं कि लोकल चुनाव है ऐसा सही है, लेकिन उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका का जो बोर्ड हो, नगर पालिका का चेयरमैन अगर चुन लिया गया तो कानून व्यवस्था के अच्छे होने से उसका क्या ताल्लुक रह जाएगा? कानून व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा कि समाजवादी पार्टी कहती है कि कोई काम नहीं हुआ, हमारे सांसद अभी एक साल भी पूरा सांसद बने हुए नहीं हुआ, हमेशा से तो आप ही लोग रहे सांसद, हमेशा से यहाँ बोलते रहे कि समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है, लेकिन आप ये भूल गए कि 2014 से और 2017 से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और उसमें जो गांव से लेके गरीब से लेके किसान तक के हित की बात जो कर रहा है उनसे जनता डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, और वही स्थिति इस निकाय चुनाव में होने जा रही है, क्योंकि निकाय के अंदर इस नगर पालिका के अंदर सारे व्यापारी ही नहीं है, यहाँ गरीब भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमेशा कोई ना कोई आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हमेशा आप कहीं ना कहीं से ढूंढ करके किसी न किसी माइनॉरिटी को आप ले आ करके चुनाव में सामने खड़ा करते हैं, और यह माइनॉरिटी को चुनाव लड़ना तुष्टिकरण है? नहीं, हाँ बिल्कुल है, आप हमेशा ये साबित करते हैं, हमेशा आप ये साबित करते हैं कि और कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी में, जब भी लड़ेगा तब भी कोई एक विशेष। इस बार तो आपने भी बहुत सारे माइनॉरिटी के लोगों को टिकट। हम वैसा काम नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। ये बहस बड़ी रोचक मोड़ पर है, कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को टिकट देके तुष्टिकरण का काम किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके ऊपर आप उनका पक्ष रख रहे हैं और आरोप बड़ा गंभीर है तुष्टिकरण का, और ये आरोप कोई नया नहीं लग रहा है, इससे पहले भी कई बार लगा है आप जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एजेंडा, चाहे वो कोई भी छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, जब तक उसमें हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इस टाइप का तड़का ही नहीं लगा लेते हैं, इनका चुनावी एजेंडा पूरा ही नहीं, जैसे पूजा उजा होती ना स्वाहा, तो जब तक इस टाइप की चीजें उसमें नहीं तड़का लगा लेते हैं इनका कोई एजेंडा पूरा नहीं होता। देखिए, दो मिनट की बात में इन्होंने माइनॉरिटी मतलब हिंदू मुस्लिम की बात कर ही दिया, इन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सांडों के हवाले कर दी, अब खाली आजमगढ़ की नहीं पूरे प्रदेश में बीटीएस सिस्टम इनका लागू है, बुल ट्रैफिक सिस्टम, आप देख लीजिए। इस नया टर्म कॉइन किया है आपने, इसमें देखिए आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश में बंदर कुत्ते, आज कल की घटना है बरेली में किसी बच्चे को कुत्ते नोच नोचे खा गए, इस तरह की घटना आप बहुत चिंताजनक, पाषाण युग में जी रहे हैं, हमने समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश को वैज्ञानिक युग में लाए, ये उसको पाषाण युग में लाए, पास शब्द हटा दिए तो साण युग में लाए। द्विवेदी साहब, माइनॉरिटीज की बात कर रहे थे अभी राय साहब,
जवाब आपने सुना, माइनॉरिटीज को टिकट देना तुष्टिकरण मानते हैं? अच्छा आप बताइए, क्या इस देश में मुसलमान को रहने का हक नहीं रह गया है? माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी भी को बेसिकली उसी, तो आप माइनॉरिटी की मेजोरिटी की बात, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि इस बात को हमेशा दरकिनार किया जाना चाहिए और जो मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। तो तीन बातें अभी जो सामने आई है, मैं उसका पहले जरूर चाहता हूँ कि जो संघर्ष यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से लगातार हुआ है जनता को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के, वो कांग्रेस ने किया है। और दूसरी बात, हमारे फाजिल दोस्त अभी कह रहे थे कि जो कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई नाम नहीं जानता। मैं बता दे रहा हूँ कि जिस रिसेंट पर्सनालिटी को कांग्रेस ने टिकट यहाँ से दिया है, वोट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हम देखेंगे उस दिन। प्रचार भी कर रहे हैं अपना, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस तरीके से इतना अभिमान भी ठीक नहीं है। राय साहब अभिमान ठीक नहीं है, अभिमान ठीक नहीं है, लेकिन ये बात तो ठीक है कि जो अगर कुछ दिक्कत है तो उसके लिए सपा बसपा ज्यादा जिम्मेदार है। ट्रैफिक की समस्या है, जल भराव है, सीवर की समस्या कह रहे तो 1972 से बन ही जा रहा है वो। नगर निकायों में अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो उसकी समस्या हम दूर करा देंगे करेंगे और हमारी सरकार जब भी रहे हर समस्याओं का समाधान किया है। उसका रोड मैप क्या है जल्दी से बताएं। और अभी हमारे मित्र अभी कहे अल्पसंख्यक के मामले में, ये लोग सामने कुछ और कहते हैं, आड़ में दोस्ती रिश्तेदारी निभाते हैं। और भारतीय संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि धर्म निरपेक्ष देश ये है, यहाँ सभी को अधिकार है, किसी भी जात को अधिकार है चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक देश में। किसी भी धर्म के लोग व्यक्ति को अधिकार, धर्म के लोग यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, ये इनका ये कहना गलत है। और हमारी मुखिया ने अभी आप देखिए 17 मेयर चुनाव में 11 मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। आप बताएं कि क्या दिक्कत है और अगर आजमगढ़ में इतने वर्षों में कोई दिक्कत रह गई है तो आप उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर पहली बात तो जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी लोग हैं उनके हाथ में सिस्टम होता है। पहली बात ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है सर, बिना पार्क, तो पहली बात पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है और बिना बताए लोगों के आए दिन चलान कट रही है। और ये नहीं, उनसे कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है कि उन्होंने हेलमेट लगाया है या लाइसेंस लिया है। आजमगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आजमगढ़ है। और जो ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे थे अभी, ये कह रहे थे पार्किंग की दिक्कत है और दिक्कत है, चलान कट जा रही है, हेलमेट लेके घर से नहीं चलेंगे तो चलान कटेगी ही। गार्जियन ऊपर बैठे हैं, गार्जियन घर से पैसा दिए कि जाओ सामान लाओ, बच्चा नहीं लाएगा तो क्या करेंगे। चलाने कटी है जो ये बताया ही नहीं गया कहीं पर गाड़ी नहीं, चलान कट रही, जो चलान कट रही, जब सदर में हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ से चलान कटेगी, गलत करेंगे चलान कटेगी। पार्किंग के स्थान पे गाड़ी खड़ी करिए, पर डे रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, अगर आप क्या नाम सीट बेल्ट नहीं, ठीक है। एक सेकंड, इसकी समस्या, इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार खुद है, जनता खुद जिम्मेदार। जनता हेलमेट लगाना शुरू कर दे, जनता सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दे, कोई चलान नहीं कटेगा, खड़ी हो रही है, हमें सुरक्षित कर रहा है। अच्छा ये बताइए, ये मुद्दा जो है आपको लगता है नगर पालिका और निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है? जो विषय कोई लेना देना नहीं है नगर पालिका चुनाव से। यहाँ तो आप साफ सफाई, सीवर लाइन, भ्रष्टाचार नगर पालिका में जो है 8 फीट का नाला 1.5 फीट में हो गया, नाले पर अतिक्रमण भयंकर हो गया। एक मुद्दा मैंने और सुना यहाँ पर कि बिजली चली जाती है तो फिर उसकी दोबारा आपूर्ति जो है बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत देर से। एकदम बिजली की व्यवस्था इस समय सही है, लेकिन पिछली सरकार में जब सपा की सरकार थी यहाँ पे केबल पड़ी थी, वो फाइबर वाली और अंडर वाली, वो सब बेकार चली गई, उसका कोई मतलब नहीं निकला, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसको देख के वोट देंगे आप? जो प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आ रहा है स्थानीय स्तर पर, उसको देखते हैं या प्रदेश में नेतागण को देखते हैं, सरकार को देखते हैं या केंद्र की सरकार को वोट करते हैं? देखिए भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल रहा है और आजमगढ़ में लोग विकास की बात करते हैं, सबकी सरकारें आई गई चली गई, लेकिन आजमगढ़ में विकास अगर किसी की सरकार में अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप चारों तरफ की सड़कों को घूम कर देख सकते हैं कि किसकी सरकार में विकास हुआ है। सर की जो यहाँ जो लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, लोकल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। मंत्री जी आए, वो कानून व्यवस्था की बात कर, नहीं कानून व्यवस्था जो है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ लोकल मुद्दे पे निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें कानून व्यवस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बहुत जैसे व्यापारियों को प्रॉब्लम होती है, उनके कस्टमर आते हैं, अब बाइक कहाँ खड़ी करेंगे तो उनके चालान काट दिया जाता है, अब व्यापारी कहाँ जाते हैं तो लोग चिड़े जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, फिर चालान काटिए। एक बात बताइए अशोक यादव जी, देखिए बहुत सारी बातें आई सामने, मुझे एक चीज बताइए कि मुख्यमंत्री जी प्रचार करके जा रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, डिप्टी सीएम प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी पड़ी है चुनाव प्रचार में, आप
गायब बिल्कुल। अखिलेश यादव एक बार लखनऊ मेट्रो में दिखाई दिए, शिवपाल यादव भी इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, क्यों ऐसा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे पावर जो है अपने जिलाध्यक्ष और अपने कंसर्न एमएलएज को दे रखी है, सारे संसाधन सारी स्ट्रेटजी उनके जिम्मे है। लेकिन आपके मुकाबले जो लोग हैं मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की बात अब कर रहे हैं, ये स्थानीय मुद्दे अगर कोई भी उठाए हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के कोई भी मंत्री, ये खाली मुद्दे क्या उठाएंगे? कानून व्यवस्था, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता। यहाँ पर जो चुनाव चल रहे हैं उसमें घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो अब समझिए ऐसे कि पूछिए कि पिछले 5 साल में कितना पैसा नगर पालिका को दिया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पैसा तो देना चाहिए। आखिर विकास कैसे होगा, नाली कैसे बनेगी, सड़क कैसे बनेगी, बात तो बड़ी बड़ी हो रही है लेकिन पैसा दे नहीं रहे हैं। और पता लगा लीजिएगा कि कितना पैसा दिया गया है पिछले नगर पालिका के चुनाव में, सबसे पूछ लीजिए, सब साधारण नागरिक हैं। पूरे साल जो है, पूरे 5 साल वो चेयरमैन रोता रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको पैसा ही नहीं दिया। अब आपके सामने ही हो गया सपा कांग्रेस, यही आपके सामने एक हो गए ना एक। वो तो देखिए दोनों विरोधी दल हैं तो सुर उनका एक ही रहेगा, उनका सुर एक ही रहेगा। सुनिए, जहां तक भाई साहब कह रहे हैं कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इतना पैसा दिया है कि गिनाया जाए तो अभी कम पड़ जाएगा। और सारे लोग यहाँ पर संभ्रांत लोग हैं, सारे लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, अभी का अभी सारे लोग सर्च करके अगर निकलता हो तो निकाल लें। CRPF का जो काफिला था, उस काफिले के लिए एयरक्राफ्ट डिमांड की गई थी, तो उस एयरक्राफ्ट की डिमांड अगर सरकार पूरी नहीं की तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये जो है, देखिए इस तरह की देखिए इस तरह नहीं 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 देखिए इस तरह की इतना, सुनिए एक मिनट इतना अमानवीय चेहरा किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का नहीं हो सकता कि शहीदों की 40 बॉडी पड़ी है और उसका फोटो छपवा के वोट मांग रहा है, इतना अमानवीय चेहरा प्रधानमंत्री का। क्या बात कर रहे हो आप लोग, शर्म नहीं आ रही है? कांग्रेस सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि उस समय जो LG थे वो थे सतपाल मलिक, तो सतपाल मलिक जी क्या कह रहे हैं उसको कोट किया जाए। उस वक्त गवर्नर मलिक जी गवर्नर थे, इसमें LG हैं, तो चलिए गवर्नर जो कह रहे हैं कम से कम हमारी आपकी बात को सच न माने, उसको तो मानना चाहिए सही कि उस समय एयरक्राफ्ट मांगा गया था कि नहीं मांगा गया था। इसके एविडेंशियल प्रूफ तो उनसे न मांगे जाएंगे और वो घूम घूम के पूरी दुनिया में कह रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछे। एक मिनट में आपके पास वापस आता हूँ, जवाब आपका लिया जाएगा कि ये बात आप जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सुन रहे हैं इससे आप सहमत हैं? पुलवामा मामला जी, इसके कश्मीर के गवर्नर साहब ने ही कहा इस बात को। राय साहब देखिए, इनके कहने का आधार सत्यपाल मलिक का बयान, वो वहां के गवर्नर रहे हैं। मैं उस बयान को पढ़ा नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है, नहीं दूसरी बात ये है कि अभी तक आज चुनाव आ गया, आप जो हैं स्थानीय मुद्दे को, जो नगर पालिका के और हमारे यहाँ के टाउन के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसा कि हमारे साथी बात कर रहे थे, मैं एक मिनट और आपका समय लूंगा, उन मुद्दों को न बात करके अगर मैंने ये कहा कि आप हमेशा से तुष्टिकरण की नीति अपनाते आए हैं, आपको हमेशा ये विश्वास रहा है कि हम एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति को चुनाव लड़ा करके यहाँ से चुनाव जीता लेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती है, हमेशा सबका साथ सबका विश्वास रखते हुए वह सबको लेकर के सारे लोगों को चुनाव लड़ाती है। तो आपने देखा कि कैसे जनता अपनी समस्याएं बता रही है और प्रतिनिधि अलग अलग राजनीतिक दलों के उसका क्या समाधान बता रहे हैं, उनके दावे उनके वादे सब आपने देखे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय तिलक आजमगढ़ से। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।